हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल कॉम्पिटेटिव वर्ल्ड में। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने बताया था, वीडियोस शुरू हो जाएंगी अब। तो लास्ट जो हमने एम्स पटना के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट सर्विस रूल का वीडियो बनाया था, अब जो हम बना रहे हैं वो आपका है एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट एम्स कल्याणी और रायबरेली को लेकर। और इसके अलावा अगर और भी एम्स में, जैसे भुवनेश्वर हो गया, जोधपुर हो गया, भोपाल हो गया, भोपाल में तो खैर ग्रुप सी का पोस्ट का पेपर है, तो वहाँ सर्विस रूल से तो क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं। या गेस आई थिंक 10 नंबर के क्वेश्चन वहाँ भी आ रहे हैं, हाँ 10 मार्क्स के वहाँ भी आ रहे हैं। तो आप लोग यहाँ से उसके थ्रू भी कर सकते हो। ऐसा नहीं कि थंबनेल पे बस कल्याणी और रायबरेली लिखा है तो बाकी अदर्स एम्स के स्टूडेंट्स इसको नहीं देख सकते, बिल्कुल देख सकते हैं। ठीक है, तो ये वीडियो आपको सेंट्रल गवर्नमेंट सर्विस रूल्स के लिए होने वाली है। जो कुछ एक आठ टॉपिक रह गए थे उसके वीडियोस अभी कर दे रहा हूँ, और जो एक पीडीएफ मैं रेडी कर रहा हूँ उसका लगभग 70% पीडीएफ रेडी हो चुका है, 30% बाकी है। तो मोस्ट प्रोबेबली आपको मंडे से उसकी वीडियोस आने और पीडीएफ अवेलेबल होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, और इसमें 75 मार्क्स इसलिए लिख रखा है कि 75 मार्क्स के क्वेश्चन आपके आने वाले हैं, किसी एक में 60 या एक में 75 का आ रहा है। ठीक है, तो उस हिसाब से आप लोग प्रिपरेशन कर लेना। सारे क्वेश्चंस काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। एक टॉपिक है आपका, टॉपिक कौन सा है वो आपको अभी दिख जाएगा। और ठीक है, वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। कुछ अगर और भी बातें रह जाती हैं इंपॉर्टेंट जो अभी स्टार्टिंग में नहीं बोलता, वो वीडियो के एंड में बता देता हूँ। तो आप लोग वीडियो के एंड तक देखिएगा तो फ़ायदा आपका ही होगा। चलो ठीक है, और प्लेलिस्ट से आप लोग जुड़ जाइएगा। प्लेलिस्ट सबका अलग अलग बना हुआ है, तो आप लोग वहाँ से जाके सारे वीडियोस देख सकते हो, कंप्यूटर के, सेंट्रल गवर्नमेंट सर्विस रूल्स के, एक मैथ्स रीजनिंग का वीडियो है और भी डाल दूंगा इंग्लिश का भी, तो वहाँ से आप लोग देख सकते हो, आसानी हो जाएगी। चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा जो टॉपिक रहने वाला है वो आपके स्क्रीन पे अभी दिख रहा होगा आपको, वो कौन सा है, कंपनसेशन एंड बेनिफिट्स। ये भी आता है आपके उसी सेक्शन में, सर्विस रूल्स के सेक्शन में ये भी आता है, कंपनसेशन एंड बेनिफिट्स। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग सारे क्वेश्चन देख लेंगे। ठीक है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन सारे। वेजेस आर पेड टू द, वेजेस किसे दिया जाता है, दिया जाता है लेबर को। ठीक है, मिनिमम वेजेस एक्ट कब आया था, मिनिमम वेजेस एक्ट आपका आया था 1948 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, चिल्ड्रन बिलो एज ग्रुप डैश कांट वर्क एज लेबर अकॉर्डिंग टू द लेबर एक्ट। लेबर एक्ट के अकॉर्डिंग चिल्ड्रन जो है इस एज के कम ग्रुप का, इस एज ग्रुप के कम बच्चे उस वहाँ काम नहीं कर सकते, तो क्या एज होगा, 14 ईयर्स। फिर आया है आपका कंपनसेशन इज़ रिवार्ड टू एम्प्लॉय फॉर देयर, कंपनसेशन किस लिए दिया जाता है, तो कंट्रीब्यूशन टू ऑर्गेनाइजेशन। आप जिस भी ऑर्गेनाइजेशन या डिपार्टमेंट में काम कर रहे हो उसमें आप जो भी कंट्रीब्यूट करते हो उसके बिहाफ अगर आपकी कंपनसेशन की ज़रूरत पड़ती है तो उस लिए आपको कंपनसेशन प्रोवाइड कराया जाता है। विच इज़ नॉट द ऑब्जेक्टिव ऑफ कंपनसेशन, इनमें से कौन सा जो है एक ऑब्जेक्टिव कंपनसेशन के लिए नहीं है, स्टेबलाइज इक्विटी, टू इम्प्रूव एम्प्लॉय एफिशिएंसी, टू कंट्रोल कॉस्ट, टू कंप्लाई विथ इलीगल रेगुलेशन। तो ये आपका ऑप्शन नंबर डी जो है सही हो जाएगा। हु इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर कंपनसेशन डिसीजन मेकिंग, HR यूनिट मैनेजर, वॉकर, लेमैन या BOD, होता है कौन, होता है HR यूनिट और मैनेजर। अच्छा, ये क्वेश्चन फिर से आ गया, चलो इसको फिर स्किप करो। चलो ये वाला भी रिपीटेड है, ये भी रिपीटेड हो गया। हाँ चलो, क्वेश्चन नंबर 13 से यहाँ से आप लोग, और ये क्वेश्चन उनके लिए भी इम्पोर्टेंट है जो थोड़ा कॉमर्स बैकग्राउंड से हैं, वहाँ भी फाइनेंशियल्स में ये सब आता है। ठीक है, तो वो लोग भी इसे देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 आपका है, फर्स्ट स्टेप टू कंपनसेशन प्रोसेस मैनेजमेंट इज़, पहला स्टेप कौन सा होगा, डेवलपिंग ऑफ पे स्ट्रक्चर, इवोल्यूशन ऑफ जॉब, प्राइसिंग ऑफ जॉब, एनालिसिस ऑफ जॉब। पहला होता है आपका एनालिसिस ऑफ जॉब। व्हेन द रॉयल कमीशन ऑन लेबर वाज अपॉइंटेड, कब हुआ था ये, तो ये हुआ था आपका 1928 में। व्हेन द न्यू इकोनॉमी पॉलिसी हैज़ पास्ड, न्यू इकोनॉमी पॉलिसी कब पास्ड हुआ था, वो हुआ था 1991 में। ठीक है, 1991 में। विच वन इज़ नॉट द इंटरनल कॉन्सिंगमेंट फैक्टर इन कंपनसेशन प्लान,
ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रेटजी, ट्रेड यूनियन, नेचर ऑफ जॉब्स, नेचर ऑफ पर्सनल, तो ये किस में होता है, ये आपका ट्रेड यूनियन हो जाएगा यहाँ पे सही आंसर। अंडर एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड प्रोविजन एक्ट 1952, द एम्प्लॉयर हैज़ टू कंट्रीब्यूट डैश परसेंटेज ऑफ वेजेज सैलरी ऑफ एम्प्लॉय पर मंथ, 7.5%, 9%, 7%, 8.5%, क्या हो जाएगा 8.5%। इन फैक्ट्रीज एक्ट 1948, द प्रोविजन्स आर कवर्ड अंडर फॉलोइंग हेडिंग्स, हेल्थ सेफ्टी वेलफेयर, वर्किंग आवर, इसमें ट्रू या फॉल्स बताना है आपको, तो ये बिल्कुल सही बात है, मतलब ट्रू हो जाएगा। फेयर कमिटी स्टेबलाइज्ड इन ईयर, फेयर कमिटी जो है वो कब स्टेबलाइज्ड हुआ था, कब स्टेबलाइज्ड हुआ था, वो हुआ था आपका 1948 में फेयर कमिटी बिठाया गया। द जॉब ग्रेडिंग मेथड वॉज मेड पॉपुलर बाई सिविल सर्विस कमीशन, यूएस से आपका हुआ था। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 21, द बेसिक ऑब्जेक्टिव ऑफ कॉम्पनसेशन मैनेजमेंट इज मीटिंग द नीड ऑफ बोथ, किस किस का, एम्प्लॉय ऑर्गेनाइजेशन, एम्प्लॉय लेबर, लेबर यूनियन, या एम्प्लॉय या मैनेजर, तो इसका हो जाता है एम्प्लॉय और ऑर्गेनाइजेशन। विच थ्योरी एक्सप्लेन द एम्प्लॉय एंड एम्प्लॉयर रिलेशनशिप, मतलब कौन सा थ्योरी जो है वो एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर रिलेशनशिप का सही से वर्णन करता है, एक्सप्लेनेशन देता है, तो एजेंसी थ्योरी, प्राइस पीस रेट थ्योरी, गैंट टास्क थ्योरी, या मास्लो हिरैकी मीड थ्योरी, तो ये देता है कौन सा, एजेंसी थ्योरी। ये पूछ रहा है यहाँ पे आप लोग देखिए, यहाँ पे डैश हो जाएगा। जॉब एवोल्यूशन इज अ डैश प्रोसेस, वन टाइम प्रोसेस, ईयरली प्रोसेस, कंटिन्यूस प्रोसेस, रैंडम, तो ये क्या होता है, ये कंटिन्यूस प्रोसेस होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24, विच इज़ नॉट इंक्लूडेड इन सिस्टम ऑफ पेमेंट डियरनेंस अलाउंस, कौन सा पेमेंट के जो डीए होता है उसमें इंक्लूड नहीं होता है, फ्लैट रेट, ग्रेजुएटेड रेट, कॉस्ट ऑफ लिविंग एंड कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स रेट, या जनरल अलाउंस, तो ये इसमें कौन सा नहीं होता है, वो होता है आपका जनरल अलाउंस, इसमें नहीं होता है। इट इज़ लीगल टू पे डिफरेंसेस ऑन सच प्रोटेक्टेड पर्सनल कैरेक्टरिस्टिक्स एज सेक्स, रेस, कलर, मटेरियल, मार्शियल स्टेटस, ट्रू और फॉल्स, स्लाइटली फॉल्स, स्लाइटली ट्रू, कौन सा होगा, ये बिल्कुल ही गलत है, फॉल्स है। क्वेश्चन नंबर 26, वेज फंड थ्योरी इज प्रोपोंड बाय, किसके द्वारा लाया गया था ये, तो ये आया था आपका एडम स्मिथ के द्वारा, या जे एस मिल के द्वारा, या डेविड रिकार्डो के द्वारा, कार्ल मार्क्स के द्वारा, सबका यहाँ पे ये भी दे रखा है, ये लोग भी आप लोग को ध्यान रखना होगा, क्वेश्चन में भी पूछा जा सकता है, क्योंकि अभी एक ही पोस्ट को लेके काफ़ी सारे पेपर्स हो रहे हैं, तो अलग अलग पेपर सब लोग कुछ तो ज़रूर सोचेंगे कि कहीं ये बंदा इसका पेपर दे के आ रहा है तो वही उसमें भी बैठ रहा है, तो कुछ ना कुछ अलग करने की सोचेंगे। तो एडम स्मिथ, इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, एडम स्मिथ। नेक्स्ट, विच थ्योरी ऑफ वेज इज़ बेस्ड ऑन पॉपुलेशन, वेज का जो कौन सा थ्योरी है जो पॉपुलेशन पर बेस्ड है, वेज फंड थ्योरी, सबसिस्टेंस थ्योरी, मार्जिनल प्रोडक्टिविटी थ्योरी, या बिहेवियर थ्योरी, तो ये हो जाएगा सबसिस्टेंस थ्योरी। पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट कब आया था आपका, ये आया था 1936 में। मिनिमम वेज एक्ट कब आया था, मिनिमम वेज एक्ट आपका आया था 1948 में। इक्वल रिमुनरेशन एक्ट कब आया था, ये आया था आपका 1976 में, याद रखना है ये सब आपको डेटा वाला। पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट कब आया था, पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट आपका आया था 1965 में। द मिनिमम वेजेस फिक्सिंग मशीनरी कन्वेंशन वाज हेल्ड एट डैश ड्यूरिंग 1928, कहाँ पे हुआ था, तो जेनेवा में हुआ था ये। नेक्स्ट, आर्टिकल अंडर द डायरेक्टिव DPSP जो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, enjoins अपॉन द स्टेट ऑफ सिक्योर इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क फॉर बोथ मैन एंड वुमेन कंपनसेशन मैनेजमेंट, आर्टिकल पूछ रहा है ना, तो आर्टिकल कौन सा बताता है ये, आर्टिकल DPSP में आता है आपका ये 39 नंबर।
द फर्स्ट वेज बोर्ड वॉज अपॉइंटेड फॉर द विच इंडस्ट्री इन मार्च 1957? कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री, मेटल इंडस्ट्री, केमिकल इंडस्ट्री या स्टील प्लांट्स? तो ये इसमें पहली बार जब फर्स्ट वेज बोर्ड कहाँ अपॉइंट हुआ था, वो हुआ था आपका कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री। सिक्स्थ पे कमीशन रिकमेंड्स डैश हाइक इन सैलरी ऑफ गवर्नमेंट एम्प्लॉय, कौन कितने का करता है? तो 40% का, ठीक है। सिक्स्थ पे कमीशन रिकमेंड्स 40% हाइक इन सैलरी ऑफ गवर्नमेंट एम्प्लॉय, ठीक है। टैक्स रिबेट ऑफ डैश ऑन एजुकेशन पर चाइल्ड टू मैक्सिमम ऑफ टू चिल्ड्रेन, कितने का कर सकता है? 12,000 का रिबेट आपको कितने का मिल सकता है? 12,000 का, 12,000 तक, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 37, विच एग्जिट टेक्निक इज नोन एज गोल्डन हैंडशेक, किस एग्जिट टेक्निक को हम गोल्डन हैंडशेक के नाम से भी जानते हैं? तो वो होता है VRS या क्ले ऑफ या रिटायरमेंट या रिजिग्नेशन, ये होता है आपका VRS। क्वेश्चन नंबर 38, एन एम्प्लॉय कैन अप्लाई फॉर VRS आफ्टर कम्प्लीटिंग डैश ईयर ऑफ सर्विसेज, एक एम्प्लॉय है जो VRS के लिए अप्लाई कर सकता है, कितने साल बाद अपने सर्विस को पूरी कर लेगा तब? तो ये होगा 10 साल आप जब सर्विस कर लेते हो तब आप VRS के लिए अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। 10 साल जब आपकी जॉब की हो जाएगी उसके बाद आप कर सकते हो। VRS है क्या? ये होता है वॉलेंट्री रिटायरमेंट सर्विस, मतलब आपको अगर पहले सर्विस से किसी भी कारण से रिटायरमेंट लेना चाह रहे हो तब आप कम से कम आपको 10 साल का जॉब करना होगा, उसके बाद ही आप ये कर सकते हो। विच सेक्शन ऑफ इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947 डिफाइन ले ऑफ एज द फेलियर रिफ्यूजल ऑफ एम्प्लॉयर टू गिव एन एम्प्लॉयमेंट टू वर्कर हुज नेम इज़ प्रेजेंट ऑन रोल्स बट हु हैज़ नॉट बीन रिट्रेंच्ड, ठीक है। तो इसमें क्या हो जाएगा, इसमें आपको याद रखना है 2KKK या 2KJ, सेक्शन 2, सेक्शन 2A, इसमें आपको रखना है 2KKK, याद हो जाएगा आसानी से 2KKK। क्वेश्चन नंबर 40, एक्ट टू सेक्शन 192 टू कंपनीज एक्ट 1957, ये शुरू में आपको शॉर्ट फॉर्म में हल्का दिया हुआ है, अकॉर्डिंग टू सेक्शन 192 ऑफ कंपनीज एक्ट 1956 एनी फी पेएबल टू डायरेक्टर शैल बी एक्सक्लूडिंग ऑफ मैक्सिमम रिमनरेटिंग ऑफ, कितना का कर सकते हैं? 11%, कितना हो जाएगा आपका सही आंसर हो जाएगा 11%, ठीक है 11%। नेक्स्ट, द मैटरनिटी लीव फॉर वुमेन इज, मैटरनिटी लीव फॉर वुमेन इज ऑफ डैश मंथ्स, कितना का होगा यहाँ पे? 6 महीने का। इक्विटी इज कंसर्न विद डैश विद फेल्ट अकॉर्डिंग टू द नेचुरल लॉ और राइट, लॉ और राइट क्या होगा? जस्टिस। कंपनसेशन कैन बी डैश बेनिफिट्स, कंपनसेशन कैन बी डैश बेनिफिट्स, यहाँ आपको पूछा गया है मॉनेटरी नॉन मॉनेटरी बोथ ए बिन और नवत, यहाँ आंसर आपका हो जाएगा बोथ ए एंड बी, ठीक है। फिर वेजेस रिप्रेजेंट डैश रेट ऑफ पे, वेजेस क्या रिप्रेजेंट, किस रेट का पे रिप्रेजेंट करता है? आवरली, डेली, वीकली, मंथ, वेजेस जहाँ भी आए तो आप लोग को ध्यान रखना है ये प्रेजेंट करता है आवरली, मतलब आवरली के हिसाब से वेजेस तय किए जाते हैं। डैश आर आल्सो कॉल्ड पेमेंट बाय रिजल्ट्स अलाउंस क्लेम्स इंसेंटिव्स और फ्रिंज बेनिफिट्स, इंसेंटिव्स कहा जाता है काफ़ी ज़्यादा, जैसे बहुत सारे ऐसे ऐसे गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन भी हैं जिनके अंदर प्राइवेट लोग वर्क करते हैं, ठीक है, वो ऑर्गेनाइजेशन बिलोंग करती है गवर्नमेंट की, मतलब कोई कंपनी है जो गवर्नमेंट की है बट वहाँ एज अ, जैसे प्राइवेट सेक्टर में जैसे इम्प्लॉय जाते हैं वैसी तरह से वहाँ भी काम होता है, तो उन्हें जैसे प्राइवेट सेक्टर में इंसेंटिव दिया जाता है सेम वही तरीका वहाँ भी होता है, बस फ़र्क इतना हो जाता है कि कोई कंपनी बिल्कुल प्राइवेट होती है और एक प्राइवेट कंपनी जिसको गवर्नमेंट ओन करती है, ठीक है, दोनों में बस इतना सा फ़र्क है, बाकी सारे चीज़ें सेम होती है। तो वहाँ पेमेंट्स बाय रिज़ल्ट को, मतलब आपने जिस तरीके से काम किया है, कुछ अच्छा किया है, हर एक काम का एक लिमिट होता है कि आपने इससे बढ़िया किया तो आपको कुछ बोनस मिलेगा, सिंपली आप लोग समझना बोनस, तो वही होता है इंसेंटिव मिलता है। इंसेंटिव्स डिपेंड्स अपॉन,
प्रोडक्टिविटी, सेल्स और प्रॉफिट तीनों पे ही डिपेंड करेगा, तो ऑल द एबव हो जाएगा इसका। द फॉलोइंग इज़ पेड ओनली एट अ टाइम ऑफ एम्प्लॉय एग्जिट आफ्टर सर्विंग मोर देन 5 ईयर्स। 5 साल के बाद अगर आप, 5 साल जब आपने काम कर लिया है तो एट अ टाइम ऑफ एम्प्लॉय एग्जिट, जब आप एग्जिट करने लगोगे तभी वो दिया जाएगा। क्या होता है, परक्विस्टाइज क्लेम्स ग्रेचुटी अलाउंस, तो उसके बाद क्या मिलता है आपको, ग्रेचुटी मिलता है, लेकिन मिनिमम क्या है, 5 ईयर्स। द फॉलोइंग इज अ परक्विस्टीज क्लब मेंबरशिप्स, प्रोविडेंट फंड, मेडिकल अलाउंस या ग्रुप इंश्योरेंस। ये होता है आपका क्लब मेंबरशिप। 49, अ बिहेवियर विच हैज़ रिवॉर्डिंग एक्सपीरियंस इज लाइकली टू बी रिपीटेड इज पॉस्टुलेटेड बाय reinforcement and expectancy theory, equity theory, agency theory, none of the these। आपका ऑप्शन नंबर ए इसमें सही हो जाएगा, reinforcement and expectancy theory। 50, a fair day work for fair day pay denotes a sense of task felt by employees, responsibility, equity, happiness या respect। ये होता है equity, equity मतलब बराबरी। द रिम्यूनरेशन सिस्टम नीड्स टू मीट द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ इक्विटी, इंटरनल, एक्सटर्नल, इंडिविजुअल या ऑल ऑफ द एबव। इसमें ऑल द एबव हो जाएगा। 52, विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर इन्फ्लुएंसेस एम्प्लॉय कंपनसेशन, कौन सा, लेबर मार्केट, कॉस्ट ऑफ लिविंग, लेबर यूनियंस, ऑल द एबव। इसमें हो जाएगा आपका ऑल द एबव। अब यहाँ पे आपको मैच द फॉलोइंग का आता है एक क्वेश्चन, इस टाइप से भी आपको आ सकता है पेपर में। देखो यहाँ वाला जो क्वेश्चन है वो आपको कह रहा है, इधर आपको बिजनेस स्ट्रेटजी दिया है, इधर आपको कंपनसेशन स्ट्रेटजी दिया है, ठीक है। तो यहाँ इन्वेस्ट टू ग्रो, मैनेज अर्निंग, प्रोटेक्ट मार्केट्स, हार्वेस्ट अर्निंग, री इन्वेस्ट एल्सवेयर। यहाँ स्ट्रेस ऑन कॉस्ट कंट्रोल, स्टिमुलेटेड एंटरप्रेन्योरशिप और रिवार्ड मैनेजमेंट स्किल। तो आपको मैच करना है कौन कौन सा सही मैच होगा। तो ए का आपका हो जाएगा, अगर मैं, ए का आपका होगा 2, बी का आपका हो जाएगा 3 एंड सी का बचा हुआ हो जाएगा 1, ठीक है। तो आपका जो है सी नंबर जो है ऑप्शन वो बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। सी नंबर जो ऑप्शन है आपका वो क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। 54, एनी कंपनसेशन प्लान्स मस्ट बी अंडरस्टैंडेबल, वर्केबल, एक्सेप्टेबल, रिजनेबल, वर्केबल, एक्सेप्टेबल, अंडरस्टैंडेबल, फीजेबल, एक्सेप्टेबल, अंडरस्टैंडेबल, वर्केबल और कंपनसेबल। तो क्या होना चाहिए कंपनसेशन प्लान, समझ में आना चाहिए, काम करना चाहिए और सब लोग एक्सेप्ट करने चाहिए। ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। द फॉलोइंग इज़ नॉट अ पार्ट ऑफ रिम्यूनरेशन मॉडल, इनमें से कौन सा जो है रिम्यूनरेशन मॉडल का पार्ट नहीं है। जॉब डिस्क्रिप्शन, जॉब एवेल्यूशन, जॉब हायरार्की, जॉब एनालिसिस। जॉब एनालिसिस इज नॉट अ पार्ट ऑफ रिम्यूनरेशन मॉडल। एलिटिस्ट रिम्यूनरेशन सिस्टम आर प्रिवेलेंट अमॉन्ग वेल स्टेबलाइज्ड फॉर्म्स, कंपनीज विद मैच्योर प्रोडक्ट्स, कंपनीज विद लिमिटेड कंपटीशन, ऑल द एबव। इसमें हो जाएगा आपका ऑल द एबव। इनऑर्गेनाइज्ड इंडस्ट्रियल स्टेबलाइजमेंट पे रिव्यू टेक प्लेस वंस इन डैश ईयर्स, 3, 7, 10, 15। कितने में लेता है आपको, 3 साल में। नेक्स्ट, इक्वल रिम्यूनरेशन एक्ट 1976 प्रोहिबिट्स डिस्क्रिमिनेशन इन मैटर्स रिलेटिंग टू रिम्यूनरेशन ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, रीजन, सेक्स या ऑल द एबव। तो ये क्या होता है, इसका आंसर आपका ऑल द एबव हो जाएगा। फॉलोइंग इज Not a concept of wage, इसमें से कौन सा है जो concept नहीं है wage का, daily wages, minimum wages, fair wages या living wages। इसमें जो daily wages आता है वो concept, किसी भी तरह का concept नहीं आता है daily wages करके wages के अंदर, ठीक। 60, डैश कैन बी फिक्स बाई कंपेरिजन विथ एन एक्सेप्टेड स्टैंडर्ड वेज, मिनिमम वेजेस, फेयर वेजेस, लिविंग वेजेस, ऑल द एबव। इसमें हो जाएगा आपका फेयर वेजेस। 61, चलो 61 हम लोग देख रहे थे, 61 है, अ डैश मस्ट बी फिक्स्ड कंसिडरिंग द जनरल इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ द कंट्री, मिनिमम वेजेस, फेयर वेजेस, लिविंग वेजेस या ऑल द अबव। इसमें आपका हो जाएगा लिविंग वेजेस, ठीक है। लिविंग वेजेस मस्ट बी फिक्स्ड कंसिडरिंग एंड जनरल इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ द कंट्री। 62, एंड ये हमारा इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन होगा। इन इंडिया वेजेस इज़ डिटरमाइंड मेनली फॉर सुइटेड इंडस्ट्रीज,
मिनिमम फेयर लिविंग या स्टैंडर्ड, इसमें हो जाएगा मिनिमम, ठीक है। स्वेटेड इंडस्ट्रीज़ के लिए मिनिमम वेजेस जो हैं वो डिटरमाइंड मेनली किए जाते हैं, ठीक है। तो इस वीडियो में हमने देखे 62 क्वेश्चंस आपने देखे, तो एक बात मैं बताता हूँ, आपने यहाँ से 62 क्वेश्चंस देख लिए, ठीक है। ये जो टॉपिक था ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। यहाँ से मतलब क्वेश्चंस आ सकते हैं बट एकदम से आ जाए ऐसा कुछ नहीं कहा जा सकता, बट हमें कुछ छोड़ना नहीं है, तो दैट्स वाई मुझे ये टॉपिक मिला, सो मैंने वीडियो इस पर डाल दी, ठीक है। बट ये टॉपिक उतना इम्पॉर्टेंट आपका इम्पॉर्टेंस आपका पेपर के हिसाब से नहीं रखता है, क्योंकि इसमें जो दोनों ऑर्गेनाइजेशन हैं गवर्नमेंट और प्राइवेट दोनों मिक्स्ड हैं, ठीक है। और प्राइवेट से क्वेश्चन वो उनका मर्जी है, वो पूछ सकता है, एंड में उन्होंने हर एक सिलेबस में लिख रखा है कि आपको ऐसा नहीं है, आपके जॉब के हिसाब से क्वेश्चन बाहर से पूछे जा सकते हैं। और ये सब सारे जो पोस्ट हैं एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट, ऑफिस असिस्टेंट, ये सब सारे प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन में भी होते हैं, तो दैट्स वाई मैंने सोचा था कि इसको मैं एक बार करा देता हूँ, फिर जो वहाँ के उसमें जो ऑफिस प्रोसीड्यूज, RTI, ये सब क्वेश्चन तो मैं करवा चुका हूँ, बाकी मैं फिर से करवाऊँगा। और जैसा कि मैंने पहले बताया कि आपकी एक PDF है, वो पेड PDF होने वाली है, आपकी PDF पेड होने वाली है, ठीक है। वो अभी रेडी हो रही है, 70% PDF पे काम हो चुका है, लगभग वहाँ पे 700 क्वेश्चंस रेडी हो चुके हैं MCQs में, ठीक है। 700 क्वेश्चंस किस किस टॉपिक से हैं, CCS कंडक्ट रूल का तो आपको एक अलग सा PDF है, उसमें आपका लीव रूल आ जाएगा, उसमें आपका GFR आ जाएगा, SR आ जाएगा, FR आ जाएगा, और प्रोविडेंट फंड आएगा, पेंशन स्कीम आएगा, ग्रेचुटी, रिटायरमेंट, ये सब इस PDF में आपको मिल जाएगा। उसके पहले 10 पेजेस में आपको मिलेंगे कॉन्सेप्ट्स, मतलब क्या क्या टॉपिक्स वाइज पढ़ने हैं उसमें, और उस टॉपिक से आपको MCQ मिलेगा, और सारे के सारे कहीं ना कहीं किसी भी कॉमर्स रिलेटेड या किसी भी तरह के जो क्वेश्चंस हैं वो कहीं ना कहीं पेपर्स में आए हुए हैं, और फिर नए क्वेश्चंस भी मिलेंगे आपको। तो ऑलमोस्ट मैं मान के चलूँ मोटा मोटी अगर मैं आपको कहूँ तो 1100 के आसपास से ज़्यादा ही क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। तो अगर वो आप लोग परचेस करोगे उस पर वीडियो बनेगी, बट एक वीडियो में 1000 क्वेश्चन कराना पॉसिबल नहीं है, तो वीडियो भी मैं उस पर बनाऊँगा, बट वीडियो में क्या होगा कि एक क्वेश्चन में एक वीडियो में बहुत तो 40 क्वेश्चन या 50 क्वेश्चन आएगा, तो उस हिसाब से बहुत ज़्यादा वीडियो बनेगी, तो उसमें तो टाइम लगेगा। बट अगर किन्हें भी चाहिए PDF, अगर किन्हों को चाहिए होगा तो वो लोग ले सकते हैं PDF, बट आज से नहीं, मैं बता दूंगा, उसके लिए मैं वीडियो बना दूंगा कि भाई PDF अब रेडी है, अब आप लोग ले सकते हो, ठीक है। वो मोस्ट प्रोबेबली आज जो डेट है, मान के चलो आज 20 है, तो आपको इस संडे तक रेडी हो जाएगा, हो जाना चाहिए वो, तो फिर मैं आपको एक अपडेट दे दूँगा कि भाई PDF रेडी हो गया है, आप लोग ले सकते हो, ठीक है। चलो तब तक आप लोग जो भी वीडियोस मैंने डाले हैं, कल कंप्यूटर का डाला और आज इसका डाल रहा हूँ, तो तब तक आप लोग वो देखो, और प्रीवियस और भी जो वीडियोज़ पटना एम्स के लिए डाल रखे हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट रूल्स का एक प्लेलिस्ट भी बना हुआ है, प्लस पॉइंट जो स्टोर कीपर्स से आते हैं उनके लिए एक प्लेलिस्ट बना हुआ है, तो वो लोग उसको फॉर्मली विजिट कर सकते हैं, ठीक है। आप लोग बने रहो चैनल के साथ, जो लोग नए हैं या जो लोग पहली बार आए हैं चैनल पे, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, उसके बाद लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिएगा, शेयर सब्सक्राइब कीजिए मत कीजिए, लाइक कीजिए मत कीजिए, शेयर ज़रूर कीजिएगा, ताकि सारे कैंडिडेट्स के पास पहुँचे जो भी इसके लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, ऐसा नहीं कि कोई छूट जाए, सारे इंफॉर्मेटिव चीज़ें ही हैं, ठीक है। चलो फिर, थैंक यू।